रश्मि के किचन में आप सबों का इस्तकबाल है। मेरा नाम रुखसाना बरोई है और आज मैं आप लोगों के सामने एक ग्रीन चटनी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है जो हम लोग स्पेशली रमज़ान में, तो बहुत मज़ा आता है डिफरेंट चीज़ें जो बनती हैं रोल, समोसा और पकौड़ों के साथ। तो ये चटनी बड़ा मज़ा देती है इनके साथ। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने हरा धनिया एक मुट्ठी भर, एक प्याली, और दो खाने के जो चम्मच होते वो मैंने पुदीना लेकर मैंने मशीन में डाल दिया। आप देख सकते हो ये मेरे पास फ्रीजर था तो मैंने फ्रीजर डाला है इसके अंदर। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो चीजें जाएंगी वो है सफेद जीरा है, नमक है, साबुत लाल मिर्चें हैं, इमली का पल्स है, लहसुन है, हरी मिर्च है और दो अदर टमाटर हैं। तो मैं अभी आपको पीस कर बताती हूँ, इसके बाद मैं वापस आती हूँ आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। चटनी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं, और बड़ी मजे की बनती है। क्योंकि मैंने आज सोचा था कि आप लोगों को अपनी जो सीक्रेट रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो अभी ये मेरे लिए सीक्रेट नहीं रही। तो इंशाल्लाह आप ये इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है, अभी इसमें हमने नमक तो डाला था, फिर भी अगर हमें नमक कम लगे तो इसमें हम कुछ और नमक आधी स्पून डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सही थी, फिर भी आप चेक कर लेना। तो आज आप लोगों को मेरी चटनी की रेसिपी कैसी लगी, इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी चटनी की रेसिपी जो मेरी सीक्रेट है मैं आप सबों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूं, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इसको अगर अच्छी लगी है तो उसको आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।